दोस्तों, ये समझ नहीं आता है कि रामायण के साथ छेड़खानी करने का हक इनको किसने दिया। आदि पुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी इतनी बेकार है और इसमें बिल्कुल भी कहानी नहीं है जो रामायण से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि इस मूवी में ऐसी बहुत चीजें और मेकर से इतनी सारी गलतियां की है कि ऑडियंस को ये हाफ टाइम तक भी अपने साथ रोक नहीं पाई और ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बोर हो गई, क्योंकि ऐसी बनाई गई, ऐसी रामायण बनाई ही क्यों गई है। इस रामायण ने वाल्मीकि जी की रामायण को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि उनकी रामायण झूठी थी, क्योंकि इस रामायण में बहुत ही चीजें अलग है। जैसे कि इस रामायण में VFX इस्तेमाल किया गया है और इसकी ताकत बताया जा रहा था जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था कि ये VFX इसकी ताकत है, लेकिन जब मूवी रिलीज हो चुकी है तब लग रहा है कि VFX इस मूवी की सब बड़ी कमजोरी है, क्योंकि VFX के नाम पे सिर्फ धोखा ही मिला है। और रही बात हम इनकी कैरेक्टर में करते हैं जो पात्र निभा रहे हैं, माता सीता का ऐसा दिखाया गया है, जब ओरिजिनल रामायण थी उसमें माता सीता को दिखाया गया था जब राम जी वनवास जाते हैं तो वो ऋषियों के कपड़े पहन के उनके साथ निकलती है, लेकिन इस मूवी में माता सीता को सफ़ेद साड़ी पहन के वनवास के लिए निकाल दिया, तो बहुत चीज़ें रह गई। कलयुग में ऐसी रामायण किसी ने भी नहीं सोची होगी, तो मेकर्स ने ऐसी गलती क्यों कर दी? सिर्फ रामायण के नाम पर पैसा कमाना था उनको? बहुत चीज़ें चेंज कर दी, या कहें तो पूरे की पूरी रामायण की कहानी ही चेंज कर दी। आपको तो पता ही है, और सब बच्चों बच्चों को पता है कि लंका सोने की थी, तो इस मूवी में लंका को तो बिल्कुल काला कर दिया, ऐसा लग रहा कोयले की लंका बना दी। तो बहुत चीज़ें चेंज कर दी और बिल्कुल कहानी से विपरीत कहानी बना दी। इसमें ये दिखाया गया जब माता सीता का अपहरण हुआ तो राम जी पीछे ही खड़े थे और सब देख रहे थे, जो कि असली रामायण में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इतना झूठ, इतनी सब आगे की जनरेशन को हम ये रामायण दिखाएंगे? और इसमें ये भी दिखाया गया जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो वो अपने पुष्प विमान में आए थे, लेकिन इसमें ये दिखाया गया रावण काले चमगादड़ से एक पता नहीं कौन सा विमान और किसने ये चूज़ किया, सूट भी नहीं कर रहा था रावण पे। रावण चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, चाहे इतने भी अधर्म का काम किया हो, लेकिन रावण था एक राजा और ब्राह्मण था और ज्ञानी भी बहुत था, वो राजाओं की तरह रहता था। तो इसमें तो ऐसा रावण को ही उन्होंने भिखारी सा बना दिया, ना कोई उनका ड्रेसिंग सेंस, ना हेयर स्टाइल, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनका विमान भी एक चमगादड़ का दे दिया। दोस्तों, लक्ष्मण जी का इस रामायण में आदि पुरुष में बिल्कुल रोल ही नहीं था, और जब सबको पता है कि रामायण में लक्ष्मण जी का बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि विदाउट लक्ष्मण जी के ये रामायण पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो हर पल राम जी के साथ थे, सीता जी के साथ थे, बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन इस रामायण में लक्ष्मण का तो रोल ही नहीं था। और अगर हम बात करें रामायण की, तो हनुमान जी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के रामायण में हनुमान जी दिखते थे कि हाँ हनुमान जी में बल है, हनुमान जी बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी की तरह दिखते थे, और जब वो सीता माता से मिलने के लिए अशोक वाटिका गए तब वो हाथ जोड़ के नमस्कार किया उनको, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी कोई मतलब कोई जो लड़ाई वाले होते हैं ना, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में या फिर मार्वल्स में हीरो होते हैं, सुपर हीरो, वैसे आए और मुगलों की जैसा उनको नमस्कार किया। तो बहुत चीज़ें हो गई, मतलब मुगलों जैसे नहीं करते सलाम, वैसा सलाम किया। तो रामायण में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और इस आदि पुरुष में सब कुछ चेंज कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात राम जी की, राम जी को राम जी के नाम से जाना जाता है, रामायण में उनको राम के नाम से जाना गया, लेकिन इस मूवी में, पूरा मूवी में उनको राघव के नाम से जाना गया, मैंने पूरी कहानी ही चेंज कर दी। और प्रभास ने बिल्कुल ही निराश किया, क्योंकि राम जी के जो कैरेक्टर में प्रभास दिखे ना, वो बिल्कुल नहीं दिखे, क्योंकि राम जी में एक नॉर्मल था, वो जो दिखता था ना कि उनमें स्माइल भी थी, तो सब कुछ था, गुस्सा भी था, तो लेकिन इस बार तो रामायण में सब एक ही रिएक्शन में प्रभास ने पूरी मूवी निकाल दी, और आदि पुरुष में ऐसा दिखाई नहीं कि राम जी और पूरे कैरेक्टर ने ऐसा नहीं किया। हाँ, सैफ अली खान ने अपने कैरेक्टर में अच्छा रोल किया है, क्योंकि उनके पास था, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा था कोई कार्टून मूवी चल रही है, सारे कार्टून के कैरेक्टर आ रहे थे, कोई असली इंसान दिख ही नहीं रहा था। दोस्तों, मैंने तो इससे पहले VFX का इतना गंदा इस्तेमाल होते हुए तो नहीं देखा। कौन कहेगा इस मूवी में 600-700 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, मतलब 300-400 करोड़ आपने एक ही एक्टर पे खर्च कर दिए, बाकी और किसी पे मेहनत नहीं कर गई। आपको अगर रामायण ही बनानी थी तो पूरा इस पे रिसर्च करना चाहिए था कि कैसे राम जी का कैरेक्टर था, क्या हुआ था डायलॉग पे, और डायलॉग आपने ऐसे गंदे लिखे, हनुमान जी के मुंह से ऐसे गंदे गंदे डायलॉग बुलवा रहे हो। तो बहुत चीज़ें हैं, डायलॉग तो एक बार वो लिख देते हैं ना कि ऑडियंस समझ पाते, क्योंकि आप रामायण बना रहे हो, रामायण को बनाना और उसको परोसना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने इतना खर्च कर दिया, एक नॉर्मल सा बनाते ना तो उसमें भी ऑडियंस खुश हो जाती, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको ना पूरे चाहे कितना देर भी, 4-5 घंटे भी चल जाए ना, तो ऑडियंस को रोकने की क्षमता रखती है। लेकिन आपकी जो रामायण है, जो आप नाम दे दिया बस आदि पुरुष, बस आपको पैसा कमाना था इसलिए रामायण बना दिया,
लेकिन आपकी रामायण तो सिर्फ हाफ आवर में या फिर हाफ जो मूवी है 2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी है, 1.5 घंटे में ही ऑडियंस बोर हो गए, थिएटर से निकलने लगी। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा है ना कि पैसे के लिए आप कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी बना दोगे। रामायण तो ऐसी नहीं थी ना दोस्तों। अगर आपने आदि पुरुष देखी है, अगर नहीं भी देखी है तो अब मत देखना, अगर देख ली है तो बताना कि आपको कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।